हेलो स्टूडेंट, टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द पोयम माय डॉग। सो लेट्स स्टार्ट नाउ। हिज नोज इज शॉर्ट एंड स्क्रबी, हिज ईयर्स हैंग रैदर लो, एंड ही ऑलवेज ब्रिंग्स द स्टिक बैक नो मैटर हाउ फार यू थ्रो। इन दिस पोयम द पोएटेस सेड अबाउट द हिज हर डॉग। शी डिस्क्राइब्स हर डॉग, मीन्स हिज नोज इज शॉर्ट एंड स्क्रबी। उस डॉग की नोज क्या है? शॉर्ट एंड स्क्रबी। स्क्रबी यानी नॉट फुली डेवलप। ईयर्स रैंग रैदर लो एंड ही ऑलवेज ब्रिंग द स्टिक बैग। वो हमेशा स्टिक बैग लाता है, नो मैटर हाउ फार यू थ्रो, कितने भी दूर फेंको। ही गेट्स स्पैंक रैदर ऑफ्टन फॉर थिंग्स ही शुडंट डू। उसे हमेशा स्पैंक मिलता है जो उसे करना नहीं चाहिए था, like lying on beds and barking and eating up shoes when they are new। उसे lying on beds पसंद है, beds पर lying करना पसंद है और barking करना पसंद है, and eating up shoes when they are new, and he eats the shoes when they are the new। हमेशा new shoes उसे खाना पसंद है। okay, so I hope you might have understood this। okay, now next stanza it is, he always wants to be going where he isn't supposed to go, he tracks up the house when it's snowing, oh puppy I love you so। And this poem is written by the Marchet Chute, and it is the poetess of this poem my dog। उसे हमेशा वहाँ जाना पसंद है जहाँ उसे नहीं जाना चाहिए। tracks up means उसके footprint वहाँ पे वो करता है, जब आइस गिरती है। दिस इज योअर होमवर्क। हाउ डज द पोएटेस डिस्क्राइब हर डॉग? डज द पोएटेस लव हर डॉग? नाउ ड्रॉ अ पिक्चर ऑफ योर पेट, आइदर रियल।